आप सब को मेरा नमस्कार। हिंदी की इस एक दिवसीय कार्यशाला में मैं डॉक्टर स्नेह सुधा, संयोजक हिंदी प्रकोष्ठ, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सब यहाँ आए इसके लिए पहले मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और इसकी महत्ता को आपने महसूस की। एक बात आप सबको विदित होगी कि हमें जो हिंदी में हमें जो काम काज करना है, हमारे जो कार्यालय व्यवहार की चीजें हैं वो हमें करनी है और उसे बेहतर बनाना है। आप लोगों के मन में यहाँ जितने भी प्रतिभागी ऑनलाइन जुड़े हैं या हमारे सामने बैठे हुए हैं, सबके मन में यह प्रश्न उठता है कि हम हिंदी में क्या सीखने आए हैं। हम हिंदी में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग सब तो करते ही आ रहे हैं, फिर हम नया क्या सीखें। तो यहाँ दो प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं, एक नया सीखने का प्रश्न और जो एक हमने सीखा है उसको अनवरत क्रियान्वित करने का प्रश्न। तो ये जो कार्यशाला आयोजित की जाती है ये दोनों महत्ता को प्रकाशित करती है। एक तरफ हम जो नया सीखते हैं और एक हम जो पुराना कर रहे हैं उसको हम कैसे बार बार उसका अभ्यास करके उन चीजों को समझ पाए और उसका प्रयोग सीख पाए। जैसे हम लोग कई बार जो है नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह में किसको एड्रेस करना है, किसको संबोधित करना है, नीचे क्या लिखना है, हम हूबहू उसका अनुवाद करते हैं। जैसा हमने इंग्लिश में लिखा है पढ़ा है उसका हूबहू अनुवाद करते हैं, जबकि हमें हूबहू अनुवाद नहीं करना है। हमें उसे कैसे देखना है, उसका प्रशासनिक शब्दावली में कैसे अनुवाद होता है, इन चीजों को हमें जानना और समझना है। इसके लिए भी हमें बीच बीच में कार्यशाला की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम यह समझ सके कि अभी तक का जो हमारा ज्ञान है वो उसको हम कितना अधिक संवर्धित कर सकते हैं, कितना और बेहतर। तो आज हमारे बीच में इस कार्यशाला के क्रम में सबसे पहले जो हमारी विशिष्ट अतिथि है, हमारी विशिष्ट अतिथि है श्रीमती रुक्मणी टेकवानी जी, जो नगर राजभाषा समिति की सचिव है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सब उनके तालियों से उनका स्वागत करें। हम सभी आप तहे दिल से आपका स्वागत कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ अभी तक अपने अनुभवों से जाना है, समझा है, उससे हमें और अधिक अवगत कराएंगे, जिससे कि हम आगे अपनी कार्यशैली को और अधिक बेहतर बना सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने मतलब पूरी संवेदना के साथ, अपने पूरे आग्रह के साथ मैं जो है श्रीमती रुक्मणी टेकवानी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमें लाभान्वित करें। श्रीमती रुक्मणी टेकवानी जी। धन्यवाद। मैं मिस्टर सुधा और मैं प्रिंसिपल सर जो अभी हैं यहाँ पे प्रिंसिपल सर, मैं मिस्टर सुधा मनीष जी और तमाम उम्मीद सभी समन्वयकों का इस कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उनके प्रयासों से नियमित रूप से यहाँ कार्यशाला आयोजित हो रही है और ये कार्यशालाओं का आयोजन हिंदी के प्रयोग के साथ में एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। और जैसा कि मैम स्नेह सुधा ने बहुत अच्छे बेहतर ढंग से आपको समझाया, ये सभी के मन में प्रश्न जरूर उठता होगा कि हम सभी को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, हिंदी का ज्ञान अच्छी तरह से हमें है और हम अपना कार्यालय कामकाज भी हिंदी में कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, तो हमें क्या आवश्यकता है कार्यशाला में आने की और उपस्थित होने की। तो यही उन्होंने आपका समाधान भी किया और यही इसका समाधान है कि हिंदी भी एक निरंतर विकासशील भाषा है, जैसा कि हर भाषा की विशेषता होती है और होनी भी चाहिए कि जैसे जैसे हिंदी या जो भी कोई भी भाषा, ये बात केवल हिंदी भाषा पर लागू नहीं है, सभी भाषाओं पर है, पर चूंकि क्योंकि हम आज यहाँ हिंदी के प्रयोग प्रसार से संबंधित चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए मैं हिंदी के संदर्भ में ये बात कहूँगी कि हिंदी निरंतर विकासशील भाषा है और ये निरंतर अपने नए नए संशोधन, नए नए जो ग्रहण करती रहती है शब्द दूसरी भाषाओं से या अपने स्वरूप में परिवर्तित होकर ये अपने इस समृद्ध रूप में विकसित रूप में आज हमें प्राप्त हुई है। तो इसी तरह से आपका जो हिंदी का कामकाज है उसमें भी समय समय पर आपको नए नए जो परिवर्तन आते रहते हैं भाषा को लेकर, उनसे भी रूबरू होने की आवश्यकता रहती है। इसी को देखते हुए इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और सरकार का लक्ष्य भी यही है कि यह कार्यशाला उन लोगों के लिए नहीं है कि जिन्हें हिंदी नहीं आती, उनके लिए तो बहुत से पाठ्यक्रम चलते हैं हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत जिसमें उनको 8वीं 10वीं स्तर तक की हिंदी सिखाई जाती है, जिसमें आप लोग पूर्व में ही निष्णात हैं
उर्मिली आप प्रवीण हैं, तो ऐसे भी ऐसे कर्मचारियों के लिए ही इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है कि जिनको हिंदी का ज्ञान तो है पर समय समय पर जो उसमें संशोधन भाषा को लेकर हो रहे हैं या परिवर्तन हो रहे हैं विकास हो रहे हैं उनसे एक तो कोई परिचित हूँ और दूसरा उनकी कार्यशाली शैली में भी जैसे हिंदी को लेकर प्रतिवर्ष गृह मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है उसमें विभिन्न मदें शामिल होती हैं जिनमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तो उन लक्ष्यों को लेकर भी आपकी जानकारी इस इन कार्यशालाओं के माध्यम से बढ़ती है और इन कार्यशालाओं के माध्यम से आपको जो हिंदी में कामकाज करने में कभी भी किसी कारणवश कोई हिचक कोई संकोच आया हो तो उसका समाधान भी इन कार्यशालाओं के माध्यम से होता है। आज जैसा कि मुझे मैडम ने बताया कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग कैसे और बढ़ाया जाए और प्रशासनिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है इस संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात करूं तो उसी को लेकर मैं प्रस्तुत हूं। और जहां तक प्रशासनिक शब्दावली का प्रश्न है तो हिंदी में जब सरकारी कामकाज की शुरुआत हुई तो यह महसूस किया गया कि विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके अलग अलग हिंदी पर्याय प्रचलित हैं और ऐसा होता भी है एक शब्द के कई अर्थ होते हैं या कई पर्याय उपलब्ध होते हैं तो अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग चल रहा था। उसी को देखते हुए कि एक मानक शब्दावली का गठन किया गया और एक मानक तकनीकी शब्दावली को सभी कार्यालयों के लिए सभी मंत्रालयों के लिए ताकि सरकारी कामकाज की में जो हिंदी का प्रयोग हो रहा है उसमें एक रूपता बनी रहे तो इसी प्रयोजन से वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया और ये आयोग बहुत ही बारीकी से जितने भी सरकारी कामकाज के शब्द आते हैं उनके लिए एक उचित शब्द उपलब्ध कराता है। और यही नहीं जैसे प्रारंभ में जब इसका गठन हुआ था तकनीकी शब्दावली आयोग का तो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उस समय के परिवेश को देखते हुए कई उर्दू शब्द भी हमारे हिंदी शब्द संपदा में शामिल थे तो यह महसूस किया गया और कार्यालयों से या कहिए जनमानस से भी एक मांग आई कि हमें उर्दू इन शब्दों का जहाँ पे बहुत क्लिष्ट शब्द भी हुआ करते थे यही उर्दू के ही नहीं संस्कृत के कई बार क्लिष्ट शब्दों का समावेश हो जाता था तो उसके लिए समय समय पर मांग आती थी तो उसके अनुसार तकनीकी शब्दावली आयोग जो है उसमें समय समय पर परिवर्तन करके ताकि शब्दावली को अधिक सहज और सरल बनाया जा सके समय समय पर उसमें वो परिवर्तन और संशोधन करते हैं तो अभी भी यह सतत प्रक्रिया में है संशोधन समय की मांग के अनुसार होते रहते हैं। तो मेरा ये भी निवेदन है यदि आपके पास है आपके विभाग में तकनीकी शब्दावली आयोग से जारी इस तरह की प्रशासनिक शब्दावली तो बहुत बेहतर है अन्यथा आप इसका जो नवीनतम संस्करण है वो हमेशा इस आयोग से प्राप्त करें बहुत ही नाममात्र के शुल्क पर ये प्राप्त हो जाती है उसकी पर्याप्त प्रतियां प्राप्त कर यदि कार्यालय में वितरित हो जाएगी तो इसमें जो भी आपके यहाँ मानक शब्दावली को लेकर संशय है उनका निराकरण हो जाएगा और आप इसमें रेफर करके कभी भी आपको किसी शब्द को लेकर समस्या आए तो इसको रेफर कर सकते हैं तो इस तरह की शब्दावली भी आप ले सकते हैं। वैसे सर ने मुझे अभी बताया है कि एनसीईआरटी से जारी शब्दावली भी आपके यहाँ आती रहती है वो तो बेहतर है ही लेकिन कहीं ऐसे शब्द जो पूरे कार्यालयों में चलते हैं और सामान्य प्रकृति के हैं तो ऐसे शब्दों को संदर्भित करने के लिए रेफर करने के लिए आप इस शब्दावली का भी सहयोग ले सकते हैं। आपके यहाँ जैसे हमारा तो रेलवे का कार्यालय है तो अलग अलग कार्यालयों अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग तकनीकी शब्द प्रचलित होते हैं हमारे यहाँ इंजीनियरिंग विभाग भी है स्वास्थ्य विभाग भी है और तमाम तरह के विभाग है तो सभी तरह की शब्दावलियाँ हमारे यहाँ चलती है लेकिन क्योंकि आपका शैक्षणिक संगठन है तो यहाँ आपकी शैक्षणिक शब्दावली या उससे संदर्भित शब्दावली ज्यादा चलती होगी तो वह तो हम भी नहीं यहाँ चर्चा कर सकते हैं लेकिन ऐसी कुछ शब्दों का हम यहाँ पे ले सकते हैं जो सामान्य रूप से सभी कार्यालय में प्रयुक्त होते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द मैं आपको बताऊंगी तो जिनमें जैसे आपके वही शब्द आपके पत्रों के प्रारूप में भी काम आएंगे जैसे जिस तरह से अब हम बोलते हैं उपयुक्त संदर्भित पत्र तो उसके लिए हमारे पास बहुत से विकल्प होते हैं आप कभी ये भी कह सकते हैं कि अबव साइटेड अबव सेड आपको कहना होता है कि इस नियम का अनुसरण करें तो फॉलो भी कह सकते हैं कि फॉलो द रूल्स अबाइड बाय द रूल्स
कंटेंट एंड सो एंड सो पॉलिसी, तो आप उसके लिए उसमें अंतर्दृष्ट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। भय अगर आपको क्लिष्ट लगता है तो आप कहें कि उसमें उल्लिखित नियमों का अनुसरण करें, इस तरह से आप कह सकते हैं। और जहाँ तक इन्होंने बताया है हमें कि कार्यालय के पत्र जो होते हैं वो कई बार सामान्य प्रकृति के होते हैं, कई बार ये होता है कि हम दो तीन अनुस्मरण ही लिखते हैं और उन शब्दों का हमें कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे प्रकरण में हमें अर्धशासकीय पत्र लिखना शुरू हो, तो अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप कुछ सामान्य पत्र से हटकर हो जाता है, जैसे और उसकी भाषा में भी फर्क आता है और उसके फॉर्मेट जिसको कहते हैं ऊपर जो आप संबोधन लिखते हैं और नीचे जो आप अपनी तरफ से अपना लिखते हैं उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। अगर पत्र का प्रारूप दूसरा हो जाता है तो पत्र फॉर्मेट है नॉर्मल या सामान्य प्रकृति का, तो आपका फॉर्मेट भी बदल जाता है और उसके हिसाब से आपकी भाषा में भी कुछ परिवर्तन। यही जब हम अर्थशास्त्रीय पत्र लिखते हैं जो एक उच्च अधिकारी की ओर से एक समकक्ष अधिकारी को अथवा उनसे भी उच्चतर अधिकारी को भी लिखा जाता है वो अर्धशासकीय पत्र कहलाता है, तो वो थोड़ा और औपचारिक प्रकृति का हो जाता है और उसमें उसका फॉर्मेट भी बदलता है, साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि उसका कंटेंट या उसकी विषय वस्तु में भी शब्दों का चयन हमें थोड़ा सोच समझ कर करना होता है, क्योंकि एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दूसरे जिम्मेदार अधिकारी को लिखा जा रहा है तो हम एकदम अनौपचारिक भाषा भी नहीं ले सकते और बहुत सामान्य प्रकृति की भाषा भी नहीं ले सकते, हमें उसमें बहुत ही शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करके और जिसमें प्रोटोकॉल का भी कोई उल्लंघन न हो इस तरह का हमें चयन करना पड़ता है, शब्द जो वाक्य विन्यास है उस तरह का बनाना पड़ता है। आप में से कौन बताना चाहेंगे कि सामान्य और सामान्य पत्र और अर्थशास्त्रीय पत्र में थोड़ा सा जो होता है उसका अंतर आप बता सकते हैं? सभी आप लोग अपने सरकारी काम काज में आप लिखे इस तरह के पत्र तो लिखते ही रहते हो, सभी आप कार्यालय में ही कार्य करते तो अध्यापन में भी तो अध्यापकों को तो नहीं लिखना पड़ता होगा, लिखने पड़ते हैं पत्राचार कार्यालय से। कौन कौन है कार्यालय से मैम? कोई है आप बताइए। पत्र तो हम लिखते हैं मैम, बट ये जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग पत्रों का वर्गीकरण जैसे आप पूछ रहे हैं तो उसमें ये नहीं कह सकते कि मैं मुझे ये नहीं पता है कि मैं किस तरह का पत्र लिख रहा हूँ, ज्यादातर मैं समान पत्र ही लिखता हूँ, बड़ा जैसे आपने बताया अर्थशास्त्रीय पत्र तो वो जैसे उच्च अधिकारी लिखते हैं वो हम नहीं लिखते, तो हम ज्यादातर समान पत्र ही लिखते हैं। तो मानिए जैसे मैं यही उदाहरण लेती हूँ, जैसे हम मैं नगर समिति की क्योंकि सचिव हूँ तो उससे मैं आपको उदाहरण दूंगी तो थोड़ा और स्पष्ट कर पाऊंगी। मानिए आपके प्रधान हैं पदवी प्रधान, वो नगर समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हुए, किसी कारणवश नहीं हुए, उन्होंने किसी कारणवश को अपना पत्र भी नहीं भेज पाए इस संबंध में स्पष्टीकरण कि मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा या मैं किसी को अथॉरिटी देता हूँ, वो भी वो नहीं भेज पाए। अब हमें हमारे अध्यक्ष की ओर से नगर समिति के अध्यक्ष हैं स्वयं आदरणीय डीआरएम महोदय, उनकी तरफ से आपके कार्यालय प्रधान को आएगा तो लगभग कभी कभी तो अर्थशास्त्रीय पत्र ही आएगा। अर्थशास्त्रीय पत्र उसे कहते हैं जो सीधे नाम से संबोधित होकर आता है कार्यालय प्रधान दूसरे कार्यालय प्रधान को नाम से संबोधित करके, जैसे आपके तो सर का नाम हो उदाहरण के लिए शर्मा है, कोई समित शर्मा है या सुमित शर्मा है, तो वहाँ से जो अर्थशास्त्रीय पत्र आएगा उसमें वो पदनाम से नहीं आएगा, वो आदरणीय श्री शर्मा जी इस तरह से लिखा हुआ आएगा और उसमें नाम का उल्लेख नहीं होगा, सीधे सरनेम या उपनाम जो देखा जाता है उसका होगा और उसका प्रारूप सबसे पहला तो यही प्रारूप में परिवर्तन होगा। सामान्य पत्र में आप सिर्फ संख्या लिख के और जिसे एड्रेस कर रहे हैं उसका पदनाम लिख देते हैं और सीधे आप लिखते हैं विपरीत विषय में लेंगे इस तरह से, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्रीय पत्र जो है नाम से आता है क्योंकि वो थोड़ा किसी और अधिकांश का वो किसी गंभीर विषय पर जब उजागर हो कि जो नहीं किया जा रहा है वो कार्य किया जाए
उसके लिए लिखे जाते हैं, यह अंतर है इसमें, मोटा अंतर यही है। और इसी को देखते हुए फिर विषय वस्तु में भी इसलिए परिवर्तन आता था क्योंकि ये एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा दूसरे जिम्मेदार व्यक्ति को सीधे लिखा जा रहा है, तो उसकी भाषा में हम ये नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण के लिए आप सामान्य पत्र में लिखेंगे कि यह देखा गया कि आप उपयुक्त बैठक में नगर राजभाषा समिति की दिनांक कितने को स्वयं को आयोजित उपयुक्त बैठक में शामिल न हुए, यानी आपने किसी उचित स्तर के प्रतिनिधि को भेजा। और नीचे आप सीधे फिर यह नहीं लिख सकते लिखें कि आप आगे से इसको भेजने की व्यवस्था करें, ऐसा भी लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ही फॉर्मल इनफॉर्मल हो जाएगा और एक सामान्य लेटर जैसा हो जाएगा। उसमें आप लिखेंगे तो आपसे अनुरोध है कि भविष्य में उक्त को गंभीरता से लेते हुए पत्र आपकी उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा सामान्य पत्र और अर्धशास्त्रीय पत्र में ये अंतर है। तो अभी जैसे अभी रिसेंटली भी हुआ तो शायद आपके प्रिंसिपल मॉडल को आया होंगे, मान लीजिए अगर आता है आपके लिए है तो भी नगर समिति के कभी भी ऐसा होता होगा कि आपके प्रधान कार्य में तैयारी से इसके लिए पत्र आते होंगे, तो प्रारूप तो आप लोग ही बनाते होंगे सर, तो भी क्यों नहीं सीखो। हाँ प्रारूप तो तैयार करते हैं, तो उसमें इसी तरह का प्रारूप होता होगा। बस ये है कि अलग अलग कार्यालय में फॉर्मेट में यूँ भिन्नता है कि जैसे हमारे यहाँ बाई तरफ कार्यालय का नाम या दाई तरफ होता है, आप यहाँ बाई तरफ बोल सकते हैं, दिनांक हमारे यहाँ उसके साथ साथ ही होती है, इधर बाई तरफ आती है आप यहाँ उसके साथ हो सकती है, वो फॉर्मेट में फर्क हो सकता है। होता है कुछ जैसे आप विषय कब लिखते हैं, जैसे संबोधन के बाद लिखते हैं विषय या पहले ही लिखते हैं? संबोधन के बाद ऐसे ही होता है, कई कार्यालयों में पहले विषय लिख दिया जाता है उसके बाद संबोधन किया जाता है, तो ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो वो मैं नहीं उसमें इतना बारीकी से नहीं जाऊंगी क्योंकि वो अलग अलग कार्यालय की अपनी अपनी कथा है, लेकिन मुख्य रूप में आती हूँ विषय वस्तु पर ही है और दूसरा जो संबोधन का प्रोटोकॉल है जिसमें आप उसको आदरणीय रखेंगे यदि बड़े हैं, तो कई बार समकक्ष अधिकारी को भी अर्थशास्त्रीय पत्र लिखा जाता है सेम रैंक का, तो वहाँ सेम रैंक का जब लिखने वाला भी उसी रैंक का है और जिसे संबोधित किया जा रहा है वो भी उसी रैंक का, तो आदरणीय की आवश्यकता उसमें नहीं रहती क्योंकि वो भी स्वयं वो भी उतने ही आदरणीय जितने लिखे जा रहे हैं, संबोधित व्यक्ति आदरणीय, तो उसमें सीधे श्री पर उसमें भी वो नाम से तो संबोधित होगा ही क्योंकि वो अर्थशास्त्री, लेकिन वही अर्थशास्त्री पत्र जब मैंने जैसा आपको बताया उच्चतर अधिकारी को है तो आदरणीय शब्दों का बहुत ध्यान रखना है और नाम का प्रयोग नहीं करना है, सीधे उपनाम का प्रयोग करते हुए जी लगा के पीछे। और नीचे फिर जब हम लिखते हैं आपका लिखते हैं उससे पहले उच्चतर अधिकारी को सादर अवश्य लिखें क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है, तो आप नीचे लिखेंगे सादर यदि अधिकारी उच्चतर है और यदि समकक्ष है तो आप उसको शुभेच्छु लिख सकते हैं और नीचे उसके बाद आपका लिखेंगे ये पत्र फिर नाम से सही होगा पदनाम से क्योंकि अर्थशास्त्रीय पत्र है तो पदनाम और जो कार्यालय का नाम है वो तो डॉक्टर इसलिए आ गया जो आपका है लेटर पैड, ये लेटर पैड पे ही जाता है अर्थशास्त्रीय पत्र, सामान्य पत्र की तरह नहीं होता, संबंधित अधिकारी जिसकी ओर से लिखा जा रहा है उनका लेटर पेड होता है, तो वो जब प्रयोग होगा तो उसमें कार्यालय का नाम तो ऑलरेडी होता है और ये पदनाम भी होता है, बस वहाँ नीचे वो सिर्फ आपका लिख के और अपने साइन कर देते हैं, लेकिन बीच में सादर या शुभेच्छु जरूर लिखा जाता है और ये उसकी कथा है अर्थशास्त्री पत्र की, और सादर उच्चतर को और शुभेच्छु जो आपके समकक्ष अधिकारी को जाएगा उसमें शुभेच्छु लिखेंगे और जिन्हें संबोधित किया है उनका पदनाम पूरा आ जाता है कार्यालय सहित, उनका सिर्फ ऊपर तो हमने नाम का उल्लेख किया था सरनेम का उल्लेख किया था, यहाँ उनका नीचे संपूर्ण नाम आ जाता है और उनका संपूर्ण पदनाम और कार्यालय पदनाम, ये है अंतर है सामान्य पत्रों में और अर्थशास्त्रीय पत्रों में। और पत्रों के को लेकर अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि भाषा किस तरह की गोल है, मैंने भाषा का भी आपको वैसे को बता दिया है, फिर और भी कोई शंका हो संशय हो तो मैम जैसे कई अलग अलग तरह के विषयों पे जो लिखना पड़ता है तो फिर वो अपने तरीके से सोचते हैं कि उन्हें ग्राफ तैयार करते हैं जैसा बता रहे हैं शब्दों को सही रख करके और अपने उत्तर अधिकारी को भी आप भेजते हैं कि उनको अगर कोई विचार अपने ऐड करने जोड़ना है तो वो जोड़ सकते हैं,
और फिर वो गलती सही करके वो फिर एक कंप्लीट तैयार होने के बाद उसे चेंज हां वो बहुत मैं तो देखते हैं लेकिन एक हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब हम उसी को लेते हैं जिसे हम पे विश्वास करके और हमें दिया गया हमारी तरफ से हम फॉर्मेट में विषय वस्तु में जो भाषाओं भाषा का चयन वो तो है लेकिन उन्हें जो और कुछ बात ऐड करनी हो तो मैं कर लेंगे लेकिन जो भाषा की गरिमा है वो हमें अब हम लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं हम जहाँ तक अपने तरफ से कर सकते हैं उसको करते हैं पर मैम जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति होती है लेटर्स की पत्रों की अलग अलग होते हैं जैसे कि प्रशासनिक का बताया आपने कि ये सब्जेक्ट कब लगाना है सम्मान या महोदय कब लगाना है इस तरह की चीजें बुकलेट हमें मिले ताकि हम जान सके ये अलग अलग अब मुझे सर ने कि कई हमें कुछ पुराने मिले हैं तो मैं आपसे यही आप निवेदन करूंगी मैम कि इसका अगर थोड़ी सी कॉपी बना के इनको दे सके तो इनके लिए सुगम हो जाएगा एक कम से कम पहले वो पुराने संस्करण होंगे लेकिन एक हमें आइडिया मिल गया इस तरह से उसका फॉर्मेट होना चाहिए और भाषा इस तरह से क्योंकि पुराने समय में बहुत अच्छे ड्राफ्ट करने वाले हुआ करते थे बहुत अच्छे प्रारूप होते थे पहले भी और ये तो पत्र की बात थी इस तरह से नोट भी शायद आपके यहाँ चलते होंगे जो आपके कहना चाहिए अंतर अनुभागी चलते होंगे जैसे एक मुख्य कार्यालय अधीक्षक है वो दूसरे कार्यालय अधीक्षक को लिख रहा है या एक आपका इंजीनियर पता नहीं है या नहीं हमारे यहाँ का एक एस एस सी दूसरे को लिखता है तो वो बिल्कुल ही सेम रहते हैं और वो पत्र लिखने के लिए प्राधिकृत नहीं है तो वो नोट लिखते हैं पत्र भी उस केस में लिखा जाता है कि जैसे वो एक कार्यालय से दूसरे ही कार्यालय में जा रहा है यदि आपके ही कार्यालय में एक से दूसरे विभाग में जा रहा है तो चाहे वो अधिकारी भी होता है तो एक नोट ही लिखता है पत्र में ही लिखते हैं क्योंकि वो एक ही कार्यालय में बैठे लेकिन कई वो औपचारिक काम से चलते उनको अपनी बात लिखे ही संप्रेषित करनी है तो उस प्रकरण में फिर नोट लिखा जाता है और नोट का प्रारूप थोड़ा पत्र से अलग होता है जैसे पत्र में हम शुरू में ही संबोधित करते थे जिसे लिख रहे नोट में ऐसा नहीं होता नोट में सेंटर में आप नोट लिखते थे और उसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं या विषय कोई है तो विषय लिखते हैं संदर्भ भी कोई है किसी और से नोट आएगा आप उसका उत्तर दे रहे हैं संदर्भ भी आप लिखते हैं और फिर आप उसमें अपनी बात करेंगे जो भी आपको विषय जिस विषय में कहने विषय में ये करते आप कहते हैं आपके संदर्भ नोट के क्रम में लेते हैं अगर आप किसी का उत्तर ले रहे हैं इस तरह लिखते हैं और लास्ट में आप लिख देंगे अपनी फाइल का नोट में आपके यहाँ इस तरह का प्रारूप चलते हैं अंत में आप अपना फाइल का नाम लिख देंगे और यहाँ आप अपना जहाँ जो भेजने वाला है प्रेषक है उसका नाम लिखते हैं फिर उसी के तरफ बाई तरफ आप जिसको प्रेषक कर रहे हैं उसे लिख देंगे उसका अधिकतर नोट जो है अधिकांश तो सब कक्ष में लिखे जाते हैं थोड़ा सा रैंक ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन क्योंकि कार्यालय के अंदर ही हम एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखते हैं तो वो नोट के प्रारूप में ही होता है तो नोट का ये है प्रारूप और पत्रों का मैंने आपको ज्यादातर सामान्य या अर्धशासकीय पत्र इसी तरह से पत्र लिखते और कहीं आपके इस तरह से तो नहीं है कि जैसे कोई पत्र अंग्रेजी मैंने हिंदी में ही आया मान लीजिए आपका सर्कुलर आते होंगे आते हैं जैसे मंत्रालय से आते हैं विद्यालय से तो आपको वो अंग्रेजी में प्राप्त विद्यालय से सभी को बात है पता है ऑफिशियली मैं बताऊँ की मुख्य मंत्रालय से अधिकांश तो हो जाता है अंग्रेजी में बताते हैं लिख तो देते हैं उसमें कि हिंदी वर्जन में पढ़ो पर वो कभी होता भी है पढ़ो कभी नहीं भी होता है ये हमें भी कई बार शिकायत मिलती है कि हम क्योंकि हिंदी अनुवाद में यही कहा जाता है हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि हमें अपने काम से मतलब रखना कि हम हिंदी में काम करें वो जहाँ से आया है वहाँ पे भी हिंदी का संगठन बैठा हुआ है वो अपने आप उनको थोड़ा चेक करेंगे लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम अपनी तौर पर से हिंदी में ही काम करें तो कई बार ऐसा होता है कि मुख्यालय या मंत्रालय से अंग्रेजी में हमें कुछ पॉलिसी सर्कुलर ड्राफ्ट हुआ अब हमें जावे हमें करना है तो इस केस में आप क्या करते हैं इस केस में तो हम यही करते हैं जो हमारे जो अधिकारी हैं वो तो हमें हिंदी में ही चीजों को संप्रेषित करने के लिए ज्यादा जोर देते हैं कि इसको आप नहीं लेकिन आप जारी कैसे करते हैं उसे आपको परिपत्र करना है उसको परिपत्र करना है जो पॉलिसी प्राप्त हुई है किसी भी समय तो आप उसे कैसे जारी करते हैं सबको परिपत्र कैसे करते हैं सीधे ही नोट सर्कुलर भेज देते हैं उसी सर्कुलर पे मार्क कर देते हैं
अगर पूरे विष्णु को बताना है तो सर एक लेटर अटैच करते हैं। हां वही बात पे मैं आ रही हूं, उस लेटर को आप क्या करते हैं जो उसके साथ संलग्न करते हैं, लेकिन जो पत्र आपने बनाया जो इसमें आपने अटैच किया वो अटैच तो वो सर्कुलर कहलाएगा, संलग्न तो आपका वो सर्कुलर हो गया। आपका ये पत्र क्या कहलाता है? हाँ इंग्लिश में पब्लिक बोलते हैं, इसकी हिंदी किसी को पता है? सोचिए थोड़ा मैडम, आपको पब्लिक लेटर इसे सह पत्र कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य पत्र तो है नहीं, मुख्य पत्र तो आपका वो परिपत्र है जिसको आप सबके ज्ञान संज्ञान के लिए परिपत्र कहते हैं, तो इसे सह पत्र कहते हैं पब्लिक लेटर को। और आपका यही कर्तव्य है हिंदी के लिए कि आप अपने सह पत्र को बोला आप उसका विषय भी अपनी तरफ से कोशिश करें। अगर आपको ये बाध्यता नहीं है कि जैसा आपके पास वहां से सर्कुलर आया है ऐसे जैसे आपको विषय लिखना तो बात और है, लेकिन आप अपने और से उस विषय की हिंदी कर दें और लिखें उक्त विषय का प्राप्त जो भी मुख्यालय का पत्र है या संदर्भित पत्र आपकी आवश्यकता रहेगी तो परिपत्र चल जाए। आपकी ओर से आपका हिंदी के प्रति कर्तव्य ये है, आपका यहाँ कर्तव्य पूरा होता है कि आपने अपने चाहे आपको वो पत्र सही समय मिला था परिपत्र करने के लिए, लेकिन आपने अपना सह पत्र या पब्लिक लेटर उसको हिंदी में पूरा बनाया तो आप अपना जो पत्राचार में गिनेंगे उसको हिंदी में, उस पत्र को आप हिंदी में दीजिए। आप कृपया अंग्रेजी में बनाते ना तो आपकी ही प्रगति उससे प्रभावित होगी और हनुमान नगर की समिति में आपके सर को ही कहेंगे कि आपके यहाँ से पत्र अंग्रेजी में हो जाएगी और सर को इतना पता नहीं होगा कि कौन सा पत्र अंग्रेजी में होगा, लेकिन गणना करने वालों से ध्यान होगा कि यदि आपने वो पब्लिक लेटर हिंदी में लिखा है तो कृपया उसे हिंदी में ही है, अंदर सर्कुलर आपके पास आया था अंग्रेजी में तो वह उस पर डर है, आपने जो जारी किया आप उसको देखें कि हमने इसे हिंदी में किया तो आपका मूल पत्र या पत्राचार जो है हिंदी में होगा आपके ओर से, तो आप अपने क्यों अंग्रेजी में बताते हैं वो अंग्रेजी में वहां से प्राप्त होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्र होते हैं तो हम कहते हैं तो हमें अंग्रेजी में प्राप्त हुआ तो हम इसका उत्तर तो अंग्रेजी में देंगे, लेकिन मेरा यह अनुरोध है क्योंकि हम लोग हमारा कार्यालय सभी के कार्यालय क क्षेत्र में स्थित है, अजमेर है, राजस्थान है, पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है, क क्षेत्र है, तो कम से कम हमसे ये अपेक्षा है, हमारा ये मॉरल ऑब्लिगेशन एक नैतिक दायित्व है कि हम ऐसे अंग्रेजी पत्रों का भी अगर अपनी ओर से हिंदी में उत्तर दे देंगे, अगर वो आपको लगता है कि नहीं ये जहाँ से आया है वहाँ से उनको अंग्रेजी में अपेक्षा हो तो ये छोटा सा प्रयास है आप कर लेंगे कि अंग्रेजी में तो उन्हें भेजते हैं हिंदी में भी अपने ओर से लिखते हैं, तो ये आपके क क्षेत्र में होने के प्रति आपकी जो जागरूकता है कि हमें हिंदी में करना चाहिए, पर हो सकता है आपकी इस पहल से वहां से भी थोड़ा आपको सकारात्मक आगे भविष्य में प्रतिसाद मिल जाए, तो ये आप थोड़ा सा करें। और हिंदी में प्राप्त पत्रों का तो कदापि आप अंग्रेजी में उत्तर दें, चाहे वो आपको क क्षेत्र से भी प्राप्त हो आपकी ये प्रिय नहीं चलेगी कि ये क क्षेत्र से प्राप्त हुआ था इसलिए हमने उसका हिंदी, जब क क्षेत्र स्वयं आपको हिंदी में लिख रहा है यानी आपसे ये अपेक्षा है कि आप भी उसका उत्तर हिंदी में, आप ये देखें कि जब क क्षेत्र इतनी अच्छी पहल कर रहा है तो क क्षेत्र में स्थित होते हुए उस कार्यालय से हमें हिंदी में प्राप्त पत्र हुआ तो उसका उत्तर हमें हिंदी में ही मिलना चाहिए, तो हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर कृपया कदापि कदापि अंग्रेजी में न दें। और ये कई बार ऐसा कई कार्यालयों का वहाँ पे हम जब समिति की बैठक के दौरान समीक्षा करते हैं तो ये आता है और हमारे अध्यक्ष महोदय भी इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं कि ऐसा क्यों अंग्रेजी पत्र का उत्तर आपने एक बार दिया तो आपका समझ में आता है एक्सपीरियंस, लेकिन हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में देना तो बिल्कुल ही गंभीर स्थिति है कि नहीं होना चाहिए, तो कृपया ये आप ध्यान दें कि जो भी आपको पत्र हिंदी में प्राप्त होते हैं उनका अनिवार्य रूप से उत्तर हिंदी में, और जो मूल पत्र आप लिख रहे हैं मूल पत्र की अर्थशास्त्र में आप मूल पत्र से आप बताएं मूल पत्र तो कवरेज में जो कवरेज बनाया मूल पत्र वो तो हमने अभी उदाहरण दिया और उसका उदाहरण परिभाषा क्या है मूल पत्र की शब्द में ही मिलते हैं, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप खुश होंगे। आप बताएं मनीष जी तो आपके भाषा में प्राप्त आ रहा है तो
ये प्राप्त पत्र में आएगा, जो प्राप्त आप कह रहे हैं ना संस्थान से अपनी तरफ से किसी सब्जेक्ट पे जो पत्र भेजा गया किसी को, वो किसी भी पत्र का उत्तर नहीं होता है, वो हमें किसी विषय पर अपनी ओर से किसी को इनिशियली प्रारंभिक तौर पर मूल रूप से हमें लिखना है कि हमें कोई समस्या है, उसके लिए हमें पहले को लिखना है हिंदी संबंधी पद रिक्त हैं उनसे कार्य प्रभावित हो रहा है तो हमें अपने मुख्यालय को लिखना है, वो किसी पत्र का उत्तर नहीं है, वो हमें कहीं से कोई संदर्भ नहीं मिला है लेकिन हमारी अपनी समस्या है या ऐसी तरह से आपके कार्य पद्धति में ही कहीं कोई समस्या आती है, कोई जानकारी कोई सूचना आपको नहीं प्राप्त हुई है किसी कार्यालय से उसको आपको मंगाना है तो आप एक मूल पत्र लेते हैं, मूल पत्र वह पत्र जो आपकी ओर से प्रारंभिक तौर पर लिखा गया मूल रूप से आपकी ओर से लिखा गया, किसी अन्य कार्यालय के प्रत्युत्तर में नहीं लिखा था, किसी अन्य कार्यालय में आपको उस विषय में कुछ नहीं भेजा था, आपने अपनी ओर से ही उस विषय पर एक पत्र लिखा तो वो है आपका मूल पत्र। तो आप में से कोई बताएंगे मूल पत्र हिंदी में लिखने का लक्ष्य क्या निर्धारित है, कितने मूल पत्र हमें हिंदी में लिखने चाहिए, कितने प्रतिशत मूल पत्र हिंदी में लिखने चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको प्रारंभिक बताया कि गृह मंत्रालय प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम अप्रैल माह अप्रैल में वित्तीय वर्ष के कारण में जारी कर देता है, आपको उसके परिपत्र होने का भी प्रतीक्षा नहीं करनी, आप सबके पास नेट उपलब्ध है, आप www.rajbhasha इतना ही लिखेंगे तो वो rajbhasha.gov.in की साइट खुल जाएगी और उसमें साइट में जो दिए रहते हैं उसमें आपको वार्षिक कार्यक्रम दिखेगा, आप क्लिक कर रहे हैं वार्षिक कार्यक्रम 22 आपके सामने आ जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर लें प्रिंट ले लें और हमेशा उसकी मदों पर गौर करते रहें कि किस मद में कितना निर्धारित हो। तो हम क्योंकि क्षेत्र में है तो मूल पत्र के लिए शत प्रतिशत जैसा आपने बताया, आपने तो प्रयास कहा लेकिन प्रयास नहीं करना है, हमें लक्ष्य ही है हमें आने वाले रूप से शत प्रतिशत मूल पत्र हिंदी में लिखना, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर उनके लिए भी जो लक्ष्य निर्धारित है वो 100% जितने भी हिंदी में प्राप्त हुए पत्र उनका हमें 100% हिंदी में उत्तर देना, जिनका अपेक्षित नहीं हो तो बाध्य कदम है, कई कई पत्र ऐसे भी आते हैं जिनका उत्तर अपेक्षित नहीं होता है तो उनको आप अपेक्षित नहीं कॉलम में लिख दें, लेकिन जब अपना प्रतिशत निकाले कोई प्रतिशत की मध्य अगर उस हिंदी में प्राप्त किया पत्रों की है कि कितना प्रतिशत आपने पता चल गया तो उसमें वो जो अपेक्षित नहीं थे पत्र वो न गए उससे वो आपका लक्ष्य कम हो जाएगा, अपेक्षित नहीं वो अट जाएगा, केवल हिंदी से आप अपना प्रतिशत निकालेंगे तो वो प्रतिशत कम हो जाएगा जबकि आपका लक्ष्य आपका पत्राचार 100% इसलिए हुआ क्योंकि आपने जिन पत्रों का उत्तर अपेक्षित नहीं था उनका नहीं दिया तो वो भी एक तरह से या तो टोटल में से उसे हटा दीजिए और फिर आप अपने हिंदी पत्रों का प्रतिशत निकालें तो वो आपका 100% आना चाहिए तो वो आप 100% करिए। ऐसे कई मदे वार्षिक कार्यक्रम में होती है, वोटिंग के लिए थोड़ा सा कम लक्ष्य नहीं हुआ कि कभी कभी उच्च अधिकारी अंग्रेजी में वोटिंग कर देते हैं तो आप लोगों को भी उसको अंग्रेजी में दे जाना पड़ता है वोटिंग, तो इसलिए उसका लक्ष्य थोड़ा सा 75% इसका मतलब यह नहीं कि हम थोड़ी लिबर्टी ले लें क्योंकि हम वही मैं फिर से कहूँ कि नैतिक दायित्व हमारा बनता है, हम तो अपनी ओर से हिंदी में कुछ अधिकारियों की अपनी कुछ सीमाएं या कुछ होती हैं तो वो कभी कभी अनुमोदित को भी अप्रूव ले देते हैं, इतने भी हम लोग समय समय पर हमारे कार्यालय में इस तरह के पारिभाषिक छोटे छोटे शब्द जारी करते रहते हैं जिससे उन्हें एकदम से ग्राम सभा के सामने हो और उनको जो भी लिखना है यथा प्रस्ताव अनुमोदित तो वो उनके सामने आजकल तो ई ऑफिस से आपके यहाँ पे भी हो गया होगा तो ई ऑफिस में भी हमने एक क्विक नोटिंग कार्ड बना रखा है और वो काम करते करते ही कुछ नोटिंग पे जाते हैं, उनको जो छोटी सी नोटिंग अपनी अप्रूव लिखनी है कैंसिल लिखनी है रिग्रेटेड लिखना है उसका उनको हिंदी सवाना उपलब्ध हो जाता है तो उससे उनका उनका भी एक उत्साह होता है हिंदी में कार्य करने का। तो यदि आपके यहाँ पे भी इस तरह की व्यवस्था हो सके जो भी एजेंसी है तो उनसे कह दें कि ऑफिस में भी इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, अधिकारी वर्ग भी जो है वो हिंदी में काम करने के लिए और प्रेरित होंगे, आपको तो मुझे लगता है कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए हिंदी में नोट लेते हैं तो आप अपनी नोट हिंदी में ही जारी करते रहें और भी जो आपको पदों में है कि इससे हमें कितना लक्ष्य है तो वो आप मैंने आपको जैसा बताया वार्षिक कार्यक्रम अवश्य अपने पास उपलब्ध रखें ताकि आपको समय समय पर पता लगता रहे कि क्या लक्ष्य है और कैसे कैसे हिंदी से काम करना है।
जैसे हम लोग कई बार मूल पत्र लिखते हैं, मूल पत्र में कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जैसे हमें ऐसा लगता है, हम जैसे ये मान के चल जाते हैं कि शायद उनको इसका अगर पूरा हिंदी वर्ड लिखे तो उनको ये समझ में ना ऐसा है। जैसे हम प्रशासनिक शब्दों में लिखते हैं कि हमें कोई पीरियड को किसी एम्प्लॉइज की डायरी नोट करनी है तो हम उसको लिखते हैं अकाल दिवस, क्योंकि उसका हिंदी है, बट हम अच्छे से समझ में आए इस चीज को ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखते हैं उस चीज को, तो कैसे ये पैटर्न हम लोग अपनाते, ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हिंदी के बहुत अच्छे शब्द हैं और हमें अपने उसको भाषा में लाना भी है प्रभाव में, तो इसका एक यही समाधान है कि हम उनको लिखते हैं उसके ब्रैकेट में अंग्रेजी में समानार्थी लिखते हैं ताकि धीरे धीरे वो उनको इतना पढ़ पढ़ के अपने आप उनके अभ्यास में आ जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो अकाल दिवस को एकदम से पहचानने लगे कि ये नॉन डायरेक्स है, जो भी है डायरेक्स नॉन है वो पहचानने लगे, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है कि अगर आप हिंदी की परिशुद्धता को भी बनाए रखना चाहते हैं साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि वो सुगम भी बनी रहे तो उसको अंग्रेजी समानार्थी ब्रैकेट में लिखते हैं, और यही बात अन्य कई क्लिष्ट शब्दों पर लागू होती है, जैसे हमारे यहाँ तो तकनीकी कार्य बहुत होता है, हो सकता है आपके यहाँ भी होता हो, मैं इतना आपके यहाँ से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग पदोन्नति सभी तरह के हैं, तो इंजीनियरिंग में सिविल है, इलेक्ट्रिक है, ब्लैक मैकेनिकल है, बहुत सारे हैं और मतलब बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं और कई बहुत क्लिष्ट भी होते हैं, तो वो यही पूछते हैं कि अगर हम ये लिखेंगे तो कर्मचारी जो साधारण कर्मचारी है, आर्टिजन स्टाफ है, जो गैंगमैन है, रेलवे पे काम करने वाले लाइन में, वो इतने क्लिष्ट शब्द हिंदी का नहीं समझेंगे जितना वो अंग्रेजी के समझ जाएंगे, तो उसका भी एक ये भी समाधान है कि आप उन अंग्रेजी शब्दों को ऐसा का ऐसा देवनागरी में लिखेंगे, तो कम से कम ये नहीं हो कि हम पूरा ही हिंदी में तकनीकी शब्दों का वो हवाला देते हुए पूरी हिंदी का अंग्रेजीकरण हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसे शब्दों को हम देवनागरी लिपि में लिखकर भी अपना काम कर सकते हैं ताकि उनको भी समझ में आ जाए और हम अपनी हिंदी को भी बनाए रखें उसको देवनागरी लिपि में, कई शब्द ऐसे होते हैं जैसे हमारे यहाँ तो कई शब्दों का हिंदी समान कई लोगों को पता नहीं होता, स्टेशन है, ट्रेन है, रेलगाड़ी उसका तो ठीक है लेकिन स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, ऐसे सब चलते ही हैं, तो उनको हम ये देवनागरी में यदि आपके यहाँ कुछ ऐसे तकनीकी शब्द हैं जिनका हिंदी समानार्थी बहुत ही ये है ध्रुव है कठिन है, तो आप उनमें ऐसे ही करिए कि आप उसको ऐसा का ऐसा रोमन देवनागरी में लिख दीजिए, अगर तकनीकी शब्द थोड़ा सा कठिन है जो भी है, और यही संस्कृत मिश्र शब्दों के लिए भी कुछ ऐसे संस्कृत मिश्र शब्द भी होते हैं तो उन्हें भी आप ऐसा कर सकते हैं, तो उनका सरल रूप अपना सकते हैं, जरूरी नहीं जो बिल्कुल ही आप परिशुद्ध जैसे प्रदान करें कि आप देने की व्यवस्था करें, इस तरह से जहाँ भाषा के प्रभाव में अगर कुछ ये वर्ड्स आधा डाल गए हैं पर्यटन शब्द तो आप थोड़े सरल शब्दों को अपना सकते हैं, ये तो सरलीकरण है लेकिन थोड़ा सा ये भी अनुरोध है कि हमारी हिंदी हमारी अपनी भाषा है और ये समृद्ध होती रहे हमारी दीक्षा होती है, तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे शब्दों को भी हमें प्रचलन में लाने की कोशिश कर ताकि वो बिल्कुल विलुप्त नहीं हो जाए, ऐसे शब्द बिल्कुल ही सहज हिंदी के नाम पे हम एकदम हिंदी का जो मूल स्वरूप है उसको ज्ञान है ये भी नहीं होना चाहिए, आपने जैसे अभी बताया आपका दोस्त ये शब्द इस तरह के थोड़े चलते रहने चाहिए और प्रचलन में लाने के प्रयास करते रहने चाहिए। आप लोगों के पास कोई और भी सवाल हो तो मैम से पूछ लीजिए, क्योंकि आज जो है पूर्ण रूप से पत्रों के बारे में मैम बात करी, लास्ट टाइम जो कार्यशाला आयोजित हुई थी उसमें आपने नोटिंग ड्राफ्टिंग के बारे में बताया था, तो आज आप लोग इस पे फोकस करते हैं, इस पे केंद्रित करते हैं कि आपको पत्र लिखने में या उसका जवाब देने में जो भी समस्या आती है तो एक बार वो आप मैम से पूछ लीजिए। मैम एक तो ये भी होता है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो जो एड्रेस होता है उन एड्रेस को क्या हम इंग्लिश में उसको हिंदी ट्रांसलेट करें या फिर इंग्लिश वर्ड को हिंदी में एड्रेस ऐसे ही लिखते हैं, जैसे कि ब्लॉक है तो ब्लॉक को हम खंड लिखें या फिर ब्लॉक को ब्लॉक ही लिखें, ये देखिए आपकी अपनी उसके हिसाब प्रचलन के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ भी होता है और हमारे यहाँ आपके यहाँ मुझे नहीं पता इंडियन वर्ड है या नहीं है, बहुत से हमारा खुद का मंत्रालय भी जो सैनिक का मंत्रालय वो अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए समझ समझ कर वो अपनी तरफ से भी ऐसी समिति चर्चावियाँ जारी करते हैं जिसमें वो जो रेलवे में प्रचलन में आ सकते हैं वो उन शब्दों को अपनाने के लिए कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंजीनियर के लिए अभियंता शब्द नहीं चलता है,
इस बात पे थोड़ी आपत्ति भी होती है। हमारे स्वयं कार्यालय अध्यक्ष कहते हैं कि जब सब जगह अभ्यंतर तो हमने यही बताते कि हमारे खुद रेलवे मंत्रालय से इस तरह की मानक शब्दावलियाँ आती रहती हैं कि आप उसे यही रखना है। तो जैसे आपने कहा हमारे यहाँ सेक्शन शब्द यहाँ ब्लॉक के लिए कह रहे हैं, हमारे यहाँ सेक्शन शब्द के लिए भी सेक्शन शब्द ही रखा गया है, खंड शब्द नहीं दिया गया। हमारे यहाँ सेक्शन इंजीनियर होते हैं तो उन्हें खंड अभ्यंता न कहकर हम सेक्शन इंजीनियर देते हैं, क्योंकि हमारा मंत्रालय कहते हैं कि इस मानक शब्दावली को अपना सुगमता के हिसाब से या जो भी उनका निर्णय रहा है। तो ऐसे हो सकता है आपके यहाँ पे भी आपके यहाँ जैसे आते हैं एनसीईआरटी की शब्दावली तो आप थोड़ा सा उसको रेफर कर लिया जाए, अगर कहीं कोई ऐसा संशय तो सर ने जैसा बताया कि समय समय पर आपके मंत्रालय की शब्दावली आती है एनसीईआरटी की तो आप उसको रेफर करें और जो वहाँ बताया गया उस शब्द को अपना। और पतों का जहाँ तक संबंध है तो लिफाफों पर पते अगर जो आप एनवेलप्स होते हैं उन पर पते कृपया कृपया हिंदी में लिखें। ये बात और है आपके शायद रीजनल में ऑफिसेज हैं कहीं दस क्षेत्र में भी होंगे तो वहाँ आप कोई भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं ताकि वो सही जगह पर पहुँच जाए, लेकिन क और ख क्षेत्र के लिफाफों के पते कृपया सब हिंदी में ही लिखें। ये नहीं कि प्राइवेट कंपनी को जाना था इसलिए हमने लिफाफे पर दिखती चीज़ें कम से कम जो सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज़ें हैं और संसदीय समिति भी इन्हें बहुत गंभीरता से लेती है। वो मान लीजिए हमारे कार्यालय में निरीक्षण नहीं करे लेकिन हमारा कार्यालय का पत्र कहीं उसने देख लिया एनवेलप भी देख लिया और उसको हिंदी में नहीं पता देगा अंग्रेजी में देख लिया तो वो थोड़ा सा गंभीर विषय हो जाता है। तो इसलिए लिफाफों पर पते आप हिंदी में और खर्चित रहते उन पर पते हिंदी में। और जो नाम बोर्ड और नाम पट्टिकाएं हैं आदमी वो भी मैंने आपको बताया गया आपके जो टेबल पर रहती है नाम पट्टिकाएं वे भी और जो आपके बाहर नाम लोग लगे रहते हैं उनको भी द्विभाषीय रूप से उपलब्ध होना चाहिए। तो ये सार्वजनिक प्रदर्शन की चीजें तो केवल हिंदी में भी नहीं केवल अंग्रेजी में भी नहीं द्विभाषीय रूप में उपलब्ध। रूपणी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने अपने अनुभवों के द्वारा ये बताया कि पत्रों का जो है कैसे कैसे पत्र लिखे गए सरकारी पत्र है उनका विभाजन किस तरह होता है और उसमें हिंदी का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारे प्रतिभागी हैं उनमें से कुछ प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता दी, उन्होंने ये अपने क्योंकि कार्यशाला और जो व्याख्यान होता है उसमें मूलभूत अंतर ये होता है कि कार्यशाला में जो प्रतिभागियों की सहभागिता होनी बहुत अधिक आवश्यक है। व्याख्यान को तो आप इस रूप में ले सकते हैं कि हाँ हम तो बस सुनने आए थे, लेकिन कार्यशाला का ये मतलब ही नहीं होता, क्योंकि कार्यशाला का मतलब ही है कि आपको भी उसमें अपनी सहभागिता देनी है। तो अगर अभी मैम यहाँ पे उपस्थित हैं उसमें आपको अगर कुछ और भी प्रश्न पूछने हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैम ने बताया कि जो ये पत्र है उन पत्रों का उत्तर खासतौर पे जो पत्र हमें हिंदी में प्राप्त हुए हैं उन पत्रों का उत्तर हमें हिंदी में ही देने की कोशिश करनी चाहिए, हिंदी में ही देने का प्रयास करना चाहिए। और जो बातें हैं कुछ बातें मैं इसलिए उसको दोहरा रही हूँ ताकि वो बातें आपको और अधिक स्मरण में रहे कि उन चीजों का प्रयोग कैसे करना है। जैसे कि आपको ये बताया मैम ने ये बताया कि कैसे आप जो है अगर कोई शब्द ऐसे हो रहे हैं जिनका प्रयोग उतना अधिक प्रचलन में हिंदी में नहीं है, आपको ये अंदर आपको ये संभावना लग रही है कि शायद आपने जिस उद्देश्य से वो पत्र लिखा है वह उद्देश्य पूरा ना हो पाए अगर आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आप वैसे स्थिति में कोष्ठक में अंग्रेजी का भी शब्द दे सकते, लेकिन इसके बावजूद आपको हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना है ताकि उसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके और वह प्रयोग आपके जहन में भी रहे आपकी स्मृति में भी रहे कि प्रशासनिक शब्दावली में किन शब्दों का प्रयोग किया जाना है और वो प्रयोग कैसे जो है अधिकतम रूप में हमारे कार्यालय उद्देश्यों को और अधिक पूरा कर सके। और जैसा कि मैम ने बताया कि जो पत्र है जो पत्र आ रहे हैं मूल पत्र जो आप लिख रहे हैं मूल पत्र जो हमारे यहाँ से जा रहे हैं उनका तो प्रयोग अधिकाधिक हिंदी में ही करना है। जो प्रयोग अगर गौ क्षेत्र से भी आ रहे हैं या किसी और क्षेत्र से आ रहे हैं उसमें भी आप यथासंभव प्रयास करें कि आप हिंदी में उसका उत्तर दें, पता जो है वो हिंदी में दें। नाम पट्टिका के बारे में मैम ने बताया कि नाम पट्टिका क्योंकि वो उसे द्विभाषी करने की बात की ताकि जो कई तरह के प्रश्न आते हैं जैसे कई बार अगर समझने में खासतौर पर कुछ जो विभाग होते हैं विभाग में बहुत सारे विभाग ऐसे हैं कि हमारी स्मृति में जो है अंग्रेजी के शब्द ही हैं वो बैठे हुए हैं, तो इसलिए नाम पट्टिका में अगर हम द्विभाषी बनाते हैं तो वो हमारी चीजें बेहतर तरीके से संप्रेषित हो सकती है, क्योंकि चाहे वो नाम पट्टिका हो चाहे वो पत्र हो चाहे वो कुछ भी जो भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है जो हम
कहना चाह रहे हैं वो संप्रेषित हो सके। अगर वो बात पहुंच ही नहीं पा रही दूसरे विभाग तक या दूसरे व्यक्ति तक, तो फिर उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैम ने जो अपना ये समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, और हमें सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे शब्दों का प्रयोग करें, और जो पुस्तिका हमारे पास उपलब्ध है जिसमें प्रशासनिक शब्दावलियों का प्रयोग है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि वो आप में आपके पास जो है वो चकित किया जा सके, उसको सर्कुलेट किया जा सके, तो वो चीजें जो है आपके पास पहुंचाई जाएंगी। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अधिकाधिक जो है हिंदी शब्दावलियों का या हिंदी में अपने चीजों का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी आती है कि हम जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हम जितना ध्यान रखते हैं उतना हिंदी को हम इतना अधिक ये मान लेते हैं कि ये तो हमारी ही भाषा है, तो हम ध्यान नहीं देते हैं शब्दावलियों के प्रयोग पर, ध्यान नहीं देते हैं उनके उनकी जो वर्तनी है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं उससे हमें, और उसका हमें अफसोस भी नहीं होता है कि हमने गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जबकि ये ऐसी चीजें हैं अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से पढ़े तो सही शब्दों का कैसे प्रयोग करना है, शब्दों की वर्तनी क्या होनी है, ये आपको पुस्तकों से भी ज्ञात हो सकता है। ठीक है, उसमें प्रूफ रीडिंग की भी गलतियां होती हैं, लेकिन कई पुस्तकें पढ़ेंगे तो हर पुस्तक में आपको गलत प्रयोग नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे ये प्रयोग जो है आपके जहन में सही प्रयोग बैठता जाएगा और आप सही प्रयोग करेंगे। इसलिए जो है पढ़ना पढ़ाना जो एक सतत प्रक्रिया है, अध्यापकों अध्यापिकाओं के लिए कहा जाता है कि पढ़ना पढ़ाना जो एक सतत प्रक्रिया है, और जो हमारे प्रशासनिक कार्यों में जो व्यक्ति होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि उनके पढ़ने का काम समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा जो मान लेते हैं उनके सीखने की प्रक्रिया भी वही समाप्त हो जाती है। तो मेरा आप सबों से निवेदन है कि आप ऐसा ना करें, बल्कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है उसको अनवरत जो है जारी रखें, वो अनवरत चलता रहे, जिससे कि आप अपने चीजों को आप बेहतर बना सके, और आप विश्वास रखें कि जैसे जैसे आप चीजों को बेहतर बनाएंगे तो आपको खुद में भी आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि आप अगर सही वही उसी चीज को आप गलत लिखते हैं, और उसी चीज में जब वो अधिकारी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा ये बात उन्होंने कही कि आपके इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो अगर आप उस चीज को महसूस करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बहरहाल हमारे बीच में श्रीमती रुक्मणी टेकवानी जी नगर राजभाषा से आई, उनके लिए उन्हें हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि और हम उनसे ये अनुरोध करते हैं कि इसी तरह से वो हमारे बीच में और भी उपस्थित हो सके और हमें अपने अनुभवों से हम लाभान्वित कर सके। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद।